स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस विद यू कॉजेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, देन ब्लडी संडे इंसिडेंट. आफ्टर दैट आई हैव डिस्कस विद यू वॉर टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड एंड हाउ द रशियन पीपल दे सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नाउ वी विल डू अबाउट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज फेब्रुअरी रेवोल्यूशन. गरिमा एंड अर्शदीप कौर ऑनलाइन प्रेजेंट है, अभी इनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड करो. बता, हाँ जी, रशियन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड क्या पढ़ा बच्चे हमने? 1905. इससे पहले इसके क्या पढ़े? कॉजेस. उसके बाद ये हमने ईयर पढ़ा ब्लडी संडे इंसिडेंट. इसके बाद हमने टाइम पीरियड पढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है. अब हमने बीच में से ईयर लेना है 1917. 1917 लक्ष्य, हाँ जी, 1917 का जो ईयर हमने मेन मेंशन करना है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन. और सेम ईयर, ईयर सेम है लेकिन मंथ चेंज है, एक और रेवोल्यूशन हुआ, उसको क्या बोलते हैं? अक्टूबर रेवोल्यूशन. क्लियर? हाँ जी. अभी फेब्रुअरी, अब ये देखो, तीन रेवोल्यूशन हो गए. एक हो गया 1905 का, एक हो गया फेब्रुअरी 1917, एक हो गया अक्टूबर 1917. फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के लिए आपने याद रखना है मेंशेविक, और अक्टूबर के लिए याद रखना है आपने बोल्शेविक, ठीक है. ये वो पॉलिटिकल पार्टीज थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन का फायदा इन दोनों ने लिया. ये चाहते थे कि, बच्चे ना बोलो प्लीज, ये चाहते थे कि जारिस्ट जो ऑटोक्रेसी है वो कोलैप्स हो जाए, जार का रूल खत्म हो जाए, और पीपल दे वर फेड अप फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. दैट्स व्हाई इन्होंने क्या लिया, उसका एडवांटेज लिया. पहले किसने एडवांटेज लिया? पहले किसने लिया? करेंसकी. और उसके बाद करेंसकी को चेंज करने के लिए कौन आगे आया? ये दोनों ऑपोजिट पार्टीज थी. अब हमने मेन पढ़ना है कि 1917 में फरवरी में ऐसा क्या हुआ कि फरवरी में करेंसकी ने जार का जो रूल था उसको ओवर रूल कर दिया, उसको चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया. क्लियर? सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, 25 फरवरी, ठीक है. इमेजिन करो कि आपने ये क्वेश्चन जो है वो लाइंस में लिखना है, हेडिंग्स में ही लिखना है. चैतन्य बहुत डिस्टर्बेंट, मतलब लक्ष्य एंड आप दोनों सीट चेंज हो, प्लीज हरियो, और बीच में ना बोलो मत, मेरा ध्यान आपकी तरफ जाऊंगा. 25 फरवरी, फर्स्ट लाइन क्या बनेगी? आप बहुत इजी वे में समझा रही हूँ मैं आपको. जिन बच्चों को अभी भी फरवरी और अक्टूबर रेवोल्यूशन नहीं लर्न हो रहा, बहुत ध्यान से समझो. फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट क्या थी? 25 फरवरी 1917. क्या हुआ? लॉकआउट. आपने वर्ड याद रखना, लॉकआउट का मतलब क्या होता है? जब वॉर कंडीशन थी, वॉर कंडीशन में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पीपल दे वर नॉट इन एबल टू कैरी ऑन द प्रोडक्शन, यानी कि फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, इनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में बहुत से प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने क्या कर दिया? फैक्ट्रीज को बंद करना, उन फैक्ट्रीज को बंद करने का डिसाइड किया. ये कंडीशन तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कोविड के टाइम पर, हम कैसे उस टाइम में लॉकडाउन में बहुत से जो लेबर्स थे दे बिकेम अनएम्प्लॉयड, और वो अपनी अपनी स्टेट्स यूपी बिहार में वापस चले गए थे. ऐसा ही उस टाइम पीरियड में हुआ, ड्यू टू वॉर मेनी पीपल दे क्लोज द फैक्ट्रीज. लॉकआउट का मतलब होता है फिर फैक्ट्रीज बंद हो जाती है, ऐसे में मेनी पीपल वर्कर्स दे बिकेम अनएम्प्लॉयड, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना, ऑन 25 फरवरी लॉकआउट. लॉकआउट का मतलब होता है फैक्ट्रीज क्लोज डाउन एंड मेनी पीपल वर्कर्स दे बिकेम अनएम्प्लॉयड, ठीक है. सेकंड, हाँ जी, 25 फरवरी, ड्यूमा को सस्पेंड किया, ठीक है. 25 को आपने बताना ड्यूमा को सस्पेंड. इन द मंथ ऑफ फरवरी, ऐसे आप बता दो, इन द मंथ ऑफ फरवरी ड्यू टू लॉकआउट मेनी फैक्ट्रीज क्लोज डाउन एंड मेनी वर्कर्स दे बिकेम अनएम्प्लॉयड. अब वर्कर्स की डिमांड क्या थी? डिमांड याद रखो, सेम वही डिमांड जो 1905 में थी,
थ्री मेन डिमांड्स याद रख लो, कौन कौन सी, कौन कौन सी, वर्किंग आवर्स, दे वांटेड वर्किंग आवर्स, दे वांटेड एम्प्लॉयमेंट, दे वांटेड डेमोक्रेसी एंड दे वांटेड क्या चाहिए उनको, बेटर वेजेस, बेटर कंडीशंस, ताकि वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी उनको प्रॉब्लम थी, दीज प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, दैट्स व्हाई मेनी वर्कर्स दे ज्वाइंड द काइंड ऑफ प्रोसेशन. प्रोसेशन क्या होता है, नेवा रिवर. अब आपने याद रखना है नेवा रिवर. फिर नेवा रिवर जो थी वो पूरी सिटी को टू पार्ट्स में डिवाइड करती थी, एक तरफ था वीआईपी एरिया और दूसरी तरफ था वर्कर्स का एरिया. तो वर्कर्स ने क्या किया, नेवा रिवर क्रॉस करके विंटर पैलेस, जहां पे जार का पैलेस था वहां पे गए, सेम जैसा 1905 का हुआ था. लेकिन इस बार क्या प्रॉब्लम थी, इस बार वर्कर्स के साथ पुलिस भी थी एंड सोल्जर्स आल्सो जॉइंड देम, बिकॉज सोल्जर्स दे वर फेड अप फ्रॉम द वॉर. मेनी सोल्जर्स दे केम बैक फ्रॉम द बॉर्डर एरियाज. बहुत से सोल्जर्स ऐसे थे जो बॉर्डर एरिया से वापस आ गए थे, ठीक है. और उस कंडीशन में कंट्री में जार के लिए पूरी अपनी सिटी को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया. एंड 25th को जार ने क्या किया, ड्यूमा यानी कि पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया. पार्लियामेंट को सस्पेंड करने का मतलब है कंट्री में क्या लगा देना, एमरजेंसी लगा देना. एमरजेंसी का मतलब क्या है कि अब जार किसी भी तरह से ड्यूमा या कोई भी जो नोबल्स हैं या ऑफिशियल्स हैं उनसे किसी भी तरह से कंसल्टेशन नहीं करेगा, जार का रूल फाइनल माना जाएगा. वैसे तो पहले भी था लेकिन जार ने क्या किया, ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, ठीक है. इसके बाद फिर आपने बताना है नेक्स्ट लाइन में आपने क्या बताना है, सेम बिल्डिंग जिस ड्यूमा में पहले सारे के सारे जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उनकी मीटिंग होती थी, तीन आपने मेन याद रखने हैं, वर्कर्स, फार्मर्स एंड सोल्जर्स, ठीक है. ऑल द पीपल दे जॉइंटली गैदर्ड एंड दे एंटर्ड इन द बिल्डिंग ऑफ ड्यूमा. ड्यूमा में चले गए, जबरदस्ती चले गए एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व, क्या बनाया उन्होंने अपने आप को, पेट्रोग्रेड सोवियत. हम किस सिटी की बात कर रहे हैं, पेट्रोग्रेड. इस सिटी का नाम पहले क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग. क्यों इसका नेम चेंज किया गया, ये जर्मन नेम, ठीक है. एंड पेट्रोग्रेड सोवियत. सोवियत का मतलब यहाँ पे क्या है, सोवियत का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ पीपल. अब ये जो पेट्रोग्रेड सोवियत बनी, इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप को ड्यूमा के साथ रिप्लेस करना चाहते थे. इन्होंने अपने आप को इल्लीगल का मतलब क्या है, आपको याद है फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या बनी थी, नेशनल असेंबली. इसी तरह से पेट्रोग्रेड सोवियत काइंड ऑफ असेंबली फॉर्म इन द रशिया इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. अब इस पेट्रोग्रेड सोवियत ने बिना इलेक्शंस, कंट्री में इलेक्शंस नहीं करवाए, बिना इलेक्शंस के उन्होंने क्या किया, इसमें सबसे ज्यादा होल्ड किसका था, कौन से पार्टी के मेंबर का था, मेंशेविक का लीडर कौन था, करेंस्की बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया बिना फेब्रुअरी 1917, ठीक है. आपने ये बताना है 2nd मार्च, एक और इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है आपने, 2nd मार्च जार एब्डिकेटेड फ्रॉम द पोस्ट. एब्डिकेट का मतलब होता है जार ने अपनी पोस्ट को खत्म कर दिया, ठीक है. पोस्ट को खत्म कर देना का मतलब क्या होता है कि जार विल नॉट बी द किंग ऑफ रशिया नाउ, उसकी पोस्ट खत्म हो गई. और अल्टीमेटली उसने क्या किया, अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया, यानी कि विंटर पैलेस पे, विंटर पैलेस और पूरी कंट्री पे राइट किसका होगा, करेंस्की एंड मेंशेविक. एब्डिकेट कर दिया, पोस्ट को खत्म कर दिया, अपनी पोस्ट को खत्म कर दिया और मोनार्की खत्म हो गई. कौन सा सिस्टम आ गया, विच रूल केम, रूल ऑफ करेंसी. और इस सिस्टम को उन्होंने क्या कहा, डेमोक्रेटिक. उन्होंने कहा डेमोक्रेटिक, लेकिन कंट्री में इलेक्शंस नहीं हुए. फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं होती, उनकी ये जो गवर्नमेंट बनी इसको क्या कहा गया, प्रोविजनल का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, एक साल के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट रहेगी. इन्होंने ये डिसाइड किया कि कल को जब वॉर खत्म हो जाएगी फिर कंट्री में इलेक्शंस करवाएंगे और उसमें फिर डेमोक्रेटिक वे से जो है वो रूलर को चुना जाएगा. अभी तो आपने रिसेंटली पढ़ा, ख्वाहिश प्लीज बात, अभी तो रिसेंटली पढ़ा आपने कि अफगानिस्तान में कैसे तालिबान ने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया. कंट्रोल कैसे होता है, मिलिट्री वे में, या आपके पास जब पावर आती है, तो उस टाइम पीरियड में पावर किसके पास थी, करेंसी के पास. क्योंकि तीनों ग्रुप, फार्मर्स, वर्कर्स एंड सोल्जर्स, पुलिस, इवन पुलिस, दे सपोर्टेड करेंसी.
1905 में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम पर ये सारे जार के कंट्रोल में थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन को सबने क्लोजली देखा था, फार्मर्स ने भी देखा, पुलिस ने भी देखा और वर्कर्स ने भी देखा, सोल्जर्स ने भी देखा, दैट्स व्हाई दे डिडंट सपोर्ट द रूल ऑफ जार, दे सपोर्टेड रूल ऑफ करेंसकी। तो ये था रिजल्ट ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। एंड क्या है इसका, दैट करेंसकी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। ये गवर्नमेंट कौन सी थी, प्रोविजनल भी कह सकते हैं, प्रोविंशियल भी कह सकते हैं। अब फिर से फाइव लाइंस याद करो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। नंबर वन, आफ्टर ड्यूरिंग द वॉर, आफ्टर द वॉर नहीं कहना, ड्यूरिंग द वॉर 1914 टू 1918, द ईयर ऑफ 1917, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी सेवरल फैक्ट्रीज क्लोज डाउन। क्लोज डाउन का मतलब क्या होता है, लॉकडाउन। लॉकडाउन मीन्स, लॉकडाउन क्या होता है, लॉकडाउन क्या होता है, ताला लगा देना और वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड, वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए। देन इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या हुआ, 22 फरवरी को लॉकडाउन हुआ और 22 टू 23rd, 23rd टू 24, 24 टू 25, इन तीन दिनों में जार को लगा कि कंट्री की कंडीशन जो है वो वर्स हो गई है। दैट्स व्हाई लोगों को पैसिफाई करने के लिए से क्या क्या, ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, लेकिन ड्यूमा को सस्पेंड करने के बाद भी, एमरजेंसी लगाने के बाद भी लोग उसके कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है। और इस कंडीशन का फायदा जो है वो उन्होंने लिया, कौन सी पार्टी ने, मेंशेविक पार्टी ने, लोगों को इकट्ठा किया, दे एंटर इन द बिल्डिंग ऑफ ड्यूमा एंड दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज पेट्रोग्रेड सोवियत। क्या थी पेट्रोग्रेड सोवियत, काइंड ऑफ इलीगल नेशनल असेंबली जैसी, सेम बनी थी, कब बनी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब नेशनल असेंबली बनाई थी, ठीक है। इसके बाद क्या याद करना है आपने, दैट इन्होंने अपने अंडर जब पेट्रोग्रेड सोवियत को लिया, 2 मार्च को जार जो था ही वाज स्केयर्ड ऑफ दिस द पावर ऑफ द मेंशेविक एंड करेंसकी, उसने अपनी पोस्ट को खत्म कर दिया, एब्डिकेट कर दिया, एंड आफ्टर दैट करेंसकी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, मेंशेविक पार्टी। ये है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, क्लियर, ठीक है। अब हां जी बच्चे, नेशनल काइंड ऑफ नेशनल असेंबली जिन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अगर जार ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया ना तो हम ड्यूमा की जगह अपनी अलग से एक और असेंबली बनाएंगे, पेट्रोग्रेड सोवियत। पेट्रोग्रेड था सिटी का नाम और सोवियत का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ पीपल। सेम जैसे इंडिया में देखा जाए फार्मर्स रिवोल्ट कर रहे हैं, है ना, फार्मर्स मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बना ले, तो ऐसा ही उस टाइम पीरियड में फार्मर्स, सोल्जर्स, पुलिस और वर्कर्स ने मिलकर अपनी एक पेट्रोग्रेड सोवियत बनाई। मतलब ये नहीं कि सारे के सारे थे रिप्रेजेंटेटिव जो उनको रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। आपकी बुक में कुछ ओरिजिनल पिक्चर्स हैं उस टाइम पीरियड की जो ये शो करते हैं कि उस टाइम पीरियड में किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव ने ड्यूमा की बिल्डिंग में जाकर अपनी पावर लोगों को दिखाई। क्लियर, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ, यहां तक हमने पढ़ लिया करेंसकी का टाइम पीरियड शुरू हो गया। करेंसकी की क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका फायदा किसने उठाया, लेनिन, ठीक है। अब हमने ये बताना है जो मेंशेविक पार्टी थी ना, दैट वाज ओपन टू ऑल। मैंने अभी बताया ओपन टू ऑल का मतलब कौन कौन से ग्रुप, फार्मर्स भी थे, वर्कर्स भी थे, पुलिस भी थी, सोल्जर्स भी थे, यानी कि मेंशेविक जो पार्टी थी ओपन टू ऑल एंड मेनली सपोर्टेड टू रिच पीपल, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। मैंने आपको इसकी कमियां भी गिनानी है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है। नंबर वन, एक तो ये ओपन टू ऑल थी, ज्यादा रिच पीपल या लैंड ओनर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट का होल्ड ज्यादा था। लेकिन लेनिन जो था, लेनिन किनको सपोर्ट करता था, मेन फार्मर्स को सपोर्ट करता, ठीक है। इनकी आइडियोलॉजी ज्यादा वास्ट थी, इनकी आइडियोलॉजी जो थी लेनिन की मेन आइडियोलॉजी थी फार्मर्स राइट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। देन सेकंड, करेंसकी जो था दैट वाज नॉट एबल टू क्लोज द वॉर, नॉट एबल टू क्लोज द वॉर, ठीक है। फरवरी से लेकर मार्च, यानी कि पूरा मार्च का मंथ लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया। मेन प्रॉब्लम क्या आई मार्च के मंथ में, लोगों ने क्या देखा कि करेंसकी ज्यादा रिच पीपल को सपोर्ट कर रहा है। सेकंड क्या है, वॉर को बंद करने के लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा। थर्ड, ड्यूरिंग होल मंथ प्राइसेस वर नॉट कंट्रोल, चीजों के रेट प्राइसेस
एंड एम्प्लॉयमेंट, जिस चीज के लिए लोगों ने रिवोल्ट किया था, यानी कि लोगों को ना प्राइजेस में स्टेबिलिटी मिली ना ही उनको एम्प्लॉयमेंट मिली, ठीक है, और अल्टीमेटली लोगों का ये मानना था कि जो पुअर पीपल थे दे सफर्ड अ लॉट, ठीक है, उनके पास जो लैंडलेस थे, लैंडलेस पीपल सफर्ड अ लॉट, प्राइजेस वर नॉट स्टेबल, प्राइजेस वर वेरी हाई, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन वॉज नॉट सुटेबल, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, ये सारी हमने कमियां बतानी है करेंसी की जिसका फायदा लेनिन ने लिया, ठीक है। लैंडलेस जो पीपल थे दे आल्सो सफर्ड अ लॉट, और अभी भी कंट्री में क्या थी, प्राइवेटाइजेशन का मतलब, अभी भी मैंने आपको अभी बताया कि इंडस्ट्रियस पीपल का होल्ड था, तो पूरा मार्च जो था वो लोगों को ये लगा कि करेंसकी जो है ही इज नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। फिर क्या हुआ, मार्च के मंथ में फिर हमने बताना है एंट्री ऑफ लेनिन इन द अप्रैल। इवन अच्छा, लेनिन जो था जार ने उसको कंट्री से निकाल दिया था जिस टाइम पर में रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन जब करेंसकी का रूल आया जार केम इन द कंट्री, जार वापिस आ गया, सॉरी लेनिन वापिस आया, हाँ जी ठीक है, लेनिन वापिस आया कंट्री में, और लेनिन ने आते ही लोगों को जितनी भी करेंसी की कमियां थी उन कमियों को गिनाना शुरू कर दिया, और इसने क्या किया, अपनी बोल्शेविक पार्टी का एक एजेंडा बनाया जिसको क्या कहते हैं, अप्रैल थीसिस का मंथ है। अप्रैल के मंथ में इसने कुछ प्रोमिसेस लोगों के साथ किए कि अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हो तो ये जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा। तो उसने 4 मेन अप्रैल थीसिस के पॉइंट्स लोगों के सामने रखे, इसको क्या कहा जाता है, लेनिन थीसिस। बच्चे बाद में नोट कर लो, अप्रैल थीसिस या लेनिन डिमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट द अप्रैल थीसिस और लेनिन डिमांड्स, क्या थे लेनिन की डिमांड्स, लेनिन के प्रोमिसेस क्या थे, प्रोमिसेस को कैसे आपने बताना है, नंबर वन फॉर टू बी क्लोज। लेनिन थीसिस की डिमांड्स क्या थी, लेनिन की डिमांड क्या थी, लेनिन ने लोगों से ये प्रॉमिसेस किए कि अगर आप बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करते हो तो वॉर को क्या कर दिया जाएगा, बंद करवा दिया जाएगा, वॉर टू बी क्लोज। नंबर टू, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी कि लैंड विल बी टेकन फ्रॉम रिच पीपल एंड गिवन टू पुअर पीपल, ठीक है। नंबर टू, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, लेनिन ने प्रॉमिस किया that land will be taken from rich people and given to poor people, यानी कि जो कंट्री में लैंडलेस है उनको भी लैंड दी जाए। थर्ड, banks will be nationalized, banks को क्या कर दिया जाएगा, nationalized का मतलब है सारी की सारी करेंसी की किसके अंडर होगी, गवर्नमेंट के, banks will be nationalized। then fourth उसने क्या प्रॉमिस किया, that Rights will be given to non-Russians and non-Christians. Country में जो non-Christians हैं या non-Russians हैं उनको rights proper दिए जाएंगे. They will be treated equally. यहाँ तक पहले clear है, मैं फिर से सारा repeat कर रही हूँ. अभी तक मैंने October Revolution start नहीं किया है. मैंने आपको अभी तक ये बताया कि February Revolution और फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का फायदा लेनिन ने कैसे लिया, हमने वो बताना है, ठीक है। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ईयर कौन सा बताना आपने, 1917, कंट्री में भी वॉर चल रही थी कि बंद हो गई थी, चल रही थी, ठीक है, 1917, मंथ कौन सा, फेब्रुअरी, कौन सी डेट, 22nd फेब्रुअरी, अगर डेट नहीं भी याद रहती ना आप ऐसे याद कर लो, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ड्यू टू मेनी फैक्ट्रीज क्लोज डाउन, मेनी वर्कर्स दे बिकेम अनएम्प्लॉयड, दे डाइड ऑफ स्टारवेशन, prices were very high, condition of war was severe, so many people they wanted to change the Tsar Nicholas rule, aur uske liye unhone kya kiya, they gathered, strike hui, agitation hui, they demanded mein aapne bata dena ki kaun kaun si demands thi, teen main demands yaad rakho, they demanded employment, they demanded working hours, they demanded salaries, ki unko wages diye jaye, salaries di jaye, kaam diya jaye, job di jaye, taki wo kya kar sake apni families ko क्या करें, हाँ फैमिलीज को जो भी उनका खर्चा है पूरा कर सकते, पर ऐसा नहीं हुआ, जार ने उनकी डिमांड्स की तरफ किसी भी तरह से अटेंशन नहीं दी,
बदले में स्ट्राइक्स वगैरह की गई, क्लोज डाउन हुआ, लोगों ने नेवा रिवर क्रॉस करके विंटर विंटर पैलेस के आसपास गए, ठीक है। और कंट्री में जार निकोलस ने उसने क्या किया, एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। 25 फरवरी को उसने क्या किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। और एमरजेंसी लगाने के बाद 25 फरवरी के बाद 2 दिन के बाद 26 और 27 लोगों ने क्या किया, सोल्जर्स, फार्मर्स, वर्कर्स और जितने भी कॉमन पीपल थे उनको अपने साथ लिया। दे एंटर्ड इन द बिल्डिंग ऑफ ड्यूमा एंड दे डिक्लेयर देमसेल्व एज पेट्रोग्रेड सोवियत। अब ये पेट्रोग्रेड सोवियत क्या थे, दिस वॉज अ काइंड ऑफ नेशनल असेंबली, इलीगल असेंबली ग्रुप ऑफ पीपल जिनका ये मानना था कि अगर जार निकोलस हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाता तो हम अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाए। लेकिन जार निकोलस सेकंड जो था, ही वाज स्केयर्ड ऑफ द यूनिटी ऑफ द पीपल और उसने क्या किया, बेटर अपनी पोस्ट को रिलीज रिलीज करना का मतलब होता अपनी पावर्स को खत्म कर दिया। 2 मार्च लास्ट डे था जब वो जार था, उसके बाद जार की पोजिशन खत्म हो गई, कंट्री में मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया और कंट्री में कौन सा सिस्टम आया, डेमोक्रेटिक सिस्टम। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया, मेंशेविक पार्टी ने। मेंशेविक में से सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल पर्सन जो था वो करेंसकी माना गया। करेंसकी को सब लोगों ने मिलकर अपना क्या बना लिया, प्राइम मिनिस्टर, बिना किसी इलेक्शन के। कंट्री में इलेक्शंस करवाने की कंडीशन नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी कंट्री में क्या चल रही थी, वॉर कंडीशन, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट बनी इसको क्या, कौन सी गवर्नमेंट कहा जाता है, प्रोविजनल भी कहा जाता है, प्रोविंशियल भी कहा जा सकता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं हु वाज द प्रोविजनल हेड ऑफ द हु वाज द प्रोविजनल हेड ऑफ द रशिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो भी क्या आएगा, करेंसकी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर में प्रोविजनल हेड कौन था, ठीक है। या आपको ये भी आ सकता है, हु ब्रॉट डाउन द ज़ारिस कोलैप्स मोनार्की, करेंसकी, ठीक है। तो करेंसकी का आपने नाम बताना। अब आपने सेकेंड आपने बताना है कि वीकनेसेस ऑफ करेंसकी, करेंसकी की वीकनेसेस क्या थी या करेंसकी की प्रॉब्लम्स क्या थी जिसके कारण सेम ईयर यानी कि 1917 में, जिसके कारण सेम ईयर 1917 में फिर से रेवोल्यूशन आया। क्या ऐसी प्रॉब्लम थी कि 1905 में रेवोल्यूशन हुआ, फिर फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ, लोगों ने फिर से रेवोल्यूशन कर दिया, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, ठीक है। करेंसकी की प्रॉब्लम्स आपने बतानी है। नंबर वन, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट विच वर द वीकनेसेस ऑफ करेंसकी, वो सारी प्रॉब्लम्स आप बताओगे। नंबर वन क्या प्रॉब्लम थी, वीकनेस क्या थी, मेंशेविक पार्टी जो थी अभी भी किसको सपोर्ट कर रही थी, रिच पीपल, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। ओपन टू ऑल का मतलब होता है कि उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो ओपन टू ऑल, हर एक ग्रुप के लिए थी, कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं। नेक्स्ट आपने ये बताना है दैट नॉट एबल टू क्लोज द वॉर। एक मंथ में यानी कि इस पर्टिकुलर मंथ में करेंसकी ने कोई एफर्ट नहीं किया कि वॉर को बंद करवाया जाए, ठीक है। फिर आपने बताना है दैट प्राइसेस, एम्प्लॉयमेंट, ही कुडंट कंट्रोल द प्राइसेस, ही वाज नॉट एबल टू गिव द एम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्रीज को स्टार्ट नहीं करवा पाया, ठीक है। फिर आपने बताना है दैट लैंडलेस पीपल दे सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग दिस टाइम। अब लोगों में पेशेंस नहीं था, लोगों को इमीडिएटली चेंज चाहिए था, उनको ये चाहिए था कि अगर हम रेवोल्यूशन लेकर आए हैं तो करेंसी उनके लिए मिरेकल करे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। देन उसके बाद फिर आपने ये बताना है दैट ड्यू टू दिस कंडीशन लेनिन ही टुक द एडवांटेज ऑफ द वीकनेसेस ऑफ करेंसकी एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल लेनिन इंट्रोड्यूस सम प्रॉमिसेस इन द फॉर्म ऑफ लेनिन थीसिस भी कह सकते हो और अप्रैल थीसिस कह सकते हो। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अप्रैल थीसिस। अब आपने अप्रैल थीसिस में क्या, सिर्फ अप्रैल थीसिस यही बताओगे, यही बताओगे आपने, डिटेल में बताना है, थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बताओगे आपने, बताना है ड्यू टू वीकनेसेस ऑफ करेंसकी गवर्नमेंट, थोड़ी सी वीकनेसेस बता दो उसकी, ठीक है। देन लेनिन वाज गिवन एक्साइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ज़ार। एक्साइल का मतलब क्या होता है, कंट्री से निकाल दिया गया था, लेकिन करेंसकी के टाइम पीरियड में लेनिन केम बैक इन द कंट्री एंड उसने क्या किया, पूरा मार्च के मंथ में उसने ऑब्जर्व किया कि करेंसकी कैसे प्लान या कैसे किस तरह से पॉलिसीज बनाओ। लेनिन वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सो दैट्स व्हाई ही प्रॉमिसेस फ्रॉम द पीपल, या उसने कुछ लोगों को साथ प्रॉमिसेस किए। कौन कौन से प्रॉमिसेस किए, नंबर वन कि अगर आप बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करोगे तो वॉर जो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज। सेकेंड प्रॉमिस क्या किया उसने, बैंक्स विल बी नेशनलाइज। थर्ड प्रॉमिस क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड विल बी टेकन फ्रॉम अनलिमिटेड लैंड, यानी कि रिच पीपल के पास उस टाइम अनलिमिटेड लैंड थी, उनसे अगर थोड़ी सी लैंड लेकर गरीबों को दे दी भी जाएगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने क्या प्रॉमिस किया, दैट लैंड विल बी टेकन फ्रॉम रिच पीपल एंड गिवन टू पुअर, ठीक है। और क्या किया,
राइट्स विल बी गिवन टू नॉन रशियंस एंड नॉन क्रिश्चियंस, यानी कि क्योंकि उस टाइम पे में जार जो था वो क्रिश्चियंस को सपोर्ट करता था, सो दैट्स व्हाई ही ट्राई टू सपोर्ट द पीपल. ये लेनिन थीसिस यानी कि अप्रैल थीसिस की मेन डिमांड थी. इसके अलावा भी लेनिन का मेन जो था वो किसको अपोज करता था, कैपिटलिस्ट. सेकंड पॉइंट आप क्या बताओगे, तो सारा आपने बता दिया. इसके बाद आपने के मेन बताना है कि लेनिन ही बिलीव्ड इन द सोशलिज्म. लेनिन जो था वो सोशलिज्म आइडियाज में बिलीव करता था. सारा वही आइडिया बता दो कि सोशलिज्म क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, कैपिटलिस्ट क्या होते हैं. इसमें आपने ये बता देना है कि लेनिन ही बिलीव्ड इन द सोशलिस्ट आइडियाज, ही बिलीव्ड इन द प्रॉफिट ऑफ ऑल द सोसाइटी, सो दैट्स व्हाई ही अपोज प्राइवेटाइजेशन एंड कैपिटलिज्म. उसने कैपिटलिस्ट को अपोज किया, प्राइवेटाइजेशन को डिस्करेज किया. थर्ड आपने क्या बताना है, दैट ही वांटेड टू ब्रिंग ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री. कहने को तो बाद में लेनिन भी चेंज हो गया था, लेकिन हमने मेन बताना है कि वो कंट्री में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को लेके आना चाहता था, इलेक्शन करवाना चाहता था कंट्री में. उसका मेन मोटिव क्या था कि टू कंडक्ट द इलेक्शंस सो दैट जो राइट पर्सन है उसको इलेक्ट किया जाए. और इसके लिए उसने बहुत से एफर्ट्स किए. मार्च, उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जाकर वो सक्सेसफुल हुआ. क्या लाने में? रेवोल्यूशन. ठीक है, लेनिन ने क्या किया, एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप, दैट ही फॉर्म्ड अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी. और इस कमेटी के हेड कौन थे, लियोन ट्रॉट्स्की, LEONTROTSKI, लियोन ट्रॉट्स्की. ही वॉज द मिलिट्री हेड ऑफ द रेवोल्यूशनरी कमेटी. और उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, केरेंस्की और विंटर पैलेस पे अटैक का प्लान बनाया. और उसने 24 अक्टूबर डेट डिसाइड की, क्योंकि उनको पहले ही पता लग गया था कि इस डेट को केरेंस्की जो है वो सिटी में नहीं हूँ. बोल्शेविक पार्टी के लीडर लेनिन. अच्छा, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी वो पार्टी नहीं है, वो एक कमेटी है. कमेटी का मतलब कि जो अटैक करेगी विंटर पैलेस पे, लियोन ट्रॉट्स्की. मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, हेड ऑफ द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी. यहां तक क्लियर है? अब हम कल करेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन. सेम वही पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे. आज मैंने दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड सेकंड इज लेनिन थीसिस. हां जी, लियोन, LEON, लियोन ट्रॉट्स्की, 24 अक्टूबर. हां जी.